हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जो स्टाफ इस्तेमाल होता है इंतजाम करने में वो भी हुकूमत का होता है, ट्रांसपोर्ट वगैरह हुकूमत की होती है, ब्यूरोक्रेसी जो है वो आवाम की खिदमत की जगह जरदारियों की खिदमत कर रही है। तो ये सूरत हाल काबिल बर्दाश्त नहीं थी। हम PTI में इसलिए शरीक हुए, जो हमारी जो तहरीक थी, हम जो अकेले चल रहे थे तो इन हालतों से निपटना ज़रा मुश्किल हो गया। इसलिए तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान की पार्टी है, बड़ी पार्टी है, और उनकी जो बातें हैं, उनके जो असूल है वो हमें बहुत पसंद आए, पहले भी थे। तो अब हमने सोचा कि मिलकर, मकसद ये है कि सिंध की जो लूट मार हो रही है, सिंध माला माल है। आप देखेंगे ये मुल्क जो है वो सिंध के ख़जाने पे चल रहा है, लेकिन यहाँ आप छापते हैं, देखते हैं, टीवी पे देखते हैं कि अब तो ये सूबा गंदे नाले और गंद के ढेर का सूबा बना गया है। लोगों को गुजारा करना पड़, कहाँ जाएं लोग, उठ तो नहीं जाएंगे आसमान, इसी गंदे नालों में, गंद के ढेरों में उनका गुजारा करना पड़ता है। तो हमने समझा कि हमारी जो मकसद है, हमारे जो स्ट्रगल थी सिंध नेशनल फ्रंट की, वो नज़रियाती थी, शख्सी मुफाद की नहीं थी। तो हमने देखा कि अगर किसी से मिलके हम ये मुश्किलें दूर कर सकते हैं तो बिल्कुल हमारा फ़र्ज बनता है कि हम मिले। तो इस लिहाज से निकले, अब हमारे हम मशवरा ये देंगे कि अवलियत अवाम के साथ रबते को दी जाए, जरदारियों जैसे वटेरे वटेरों के नहीं, वो आज इधर है कल और कहीं बैठ जाएंगे। मैंने बताया साहब को कि अलवी साहब को मैंने बताया कि भुट्टो साहब ने पहले जब अयूब खान की पार्टी से और हुकूमत से निकले थे तो ये वडेरे जिनका हुजूम होता था सब भाग गए, सब नहीं आए, और मैं अकेला बैठा था उधर। फिर जब वो अवाम के पास गए, उन्हें शुरुआत वो वडेरों के पास नहीं गए, उनको हाथ जोड़ के बनाने के लिए निकल पड़े अवाम और उसने रंग लगाया। जो सही रेवोल्यूशन जो पाकिस्तान में इनकलाब आया है वो शहीद भुट्टो का इनकलाब था। तो इस बात का तजुर्बा है, देखा है, इंशाल्लाह हम सही राह पे चल के सिंधियों को मैं तसल्ली देता हूँ कि तुम्हारी जो मुश्किलें हैं इंशाल्लाह सब दूर होगी, इंशाल्लाह सब दूर होगी। तुम हिम्मत पकड़ो, झुको नहीं वडेरों के और जरदारियों के सामने। ये धरती तुम्हारी है, उनकी नहीं है, उन्होंने इंतज़ाम कर दिया है भाग जाने का। ये धरती तुम्हारी है, तुम मालिक हो धरती के, अब संभालो अपनी धरती का, हम आएंगे तुम्हारे पास इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मुमताज। सवाल हमारा ये है कि इससे पहले आप नेशनल फ्रंट आपकी पार्टी थी, आप नून लीग में गए थे, उसको छोड़कर आप आज PTI में आए हैं। तो नून लीग में जब आप गए थे, जब भी आपने नज़रियात की बात की थी, आज भी आप नज़रियात की बात कर रहे हैं, तो किस तरह के जो नज़रियात हैं जो उनके साथ थे वो नज़रियात हैं जो आज कोई और नज़रिया? उन्होंने नहीं किया ना, हमको तो नौकरियाँ न मिलने की वजह से नहीं भागे, वो मिली थी हमें, एडवाइज़रशिप मिली थी सिर्फ में। जब भी मैं नवाज शरीफ से मिलता था वो पूछता था कि क्या चाहिए यार, इसकी वजह से नहीं। उन्होंने जो हमारी अग्रीमेंट हुई उस पर दोबारा बात ही नहीं की, बैठे ही नहीं हमारे साथ, जो रिटर्न अग्रीमेंट थी। तो अब भी हम हालात के मुताबिक जो इसमें तहरीक इंसाफ में शरीक हुए हैं वो भी असूलों और बुनियादी नुकतों पर बुलंद हैं। इधर भी हम कोई नौकरियां लेने नहीं आए हैं, नौकरियां तो उनके पास है ही नहीं, वो खुद भटक रहे हैं। तो ये बात नहीं है कि हमने वो छोड़ा ये क्या, हमारा मकसद है, हमारी अग्रीमेंट है, उसको अगर उस पर अमल न किया गया तो हमारा चलना मुश्किल हो जाएगा। सर थैंक यू।